मिस मिसेज वेटीन इंडिया 2022 सीजन 2 के तीसरे दिन विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट की हुई लॉन्चिंग। अब 139 देशों में मॉडल दे सकेंगी अपनी प्रेजेंटेशन। गरिमा सक्सेना और आशीष छार्य एक्ट्रेस के तौर पर हुई लॉन्च। पिछले 3 दिनों से फॉर एवर स्टार इंडिया 2022 की ओर से ऑनलाइन मोड पर ब्यूटी प्रेजेंट कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसमें 2022 के लिए मिस मिसेज व टीन इंडिया 2022 चुनी गई। इस बार फॉर एवर स्टार इंडिया ने 139 देशों में लॉन्च कर दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी प्रेजेंट बन गया। आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक बड़ी लॉन्चिंग की गई और अब दुनिया के 139 देशों की मॉडल्स FSIA में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। अब तक 28 से 30 देशों की लोग उनसे संपर्क कर चुके हैं और इस बार कार्यक्रम में पहली बार इंटरनेशनल मिस एफसिया और मिसेस एफसिया भी चुनी जाएंगी। स्टार्टिंग हम इंडिया से हैं, इंडिया से स्टार्ट करेंगे। 2022 में इसका पहला खिताब इंडियंस के लिए पहला तैयार होगा। उसके बाद इसको नए साल से जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर दी गई है उससे प्रोसेस, जैसे फॉर एवर स्टार इंडिया अपने फॉर एवर मिस इंडिया मिसेज इंडिया मिस टीन का प्रोसेस करता है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मिस एफसीआई एंड मिसेज एफसीआई के लिए प्लान किया गया है। ऑडिशंस इसके जैसा मिस फॉर एवर मिस इंडिया में है, ऑडिशंस ऑनलाइन है, इसकी ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन है, टैलेंट राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑनलाइन है, ये सारे के सारे लाइव है एफसीआई ऐप एंड यूट्यूब पे। उसी प्रोसेस के 139 कंट्रीज के अंदर ये लाइव शो चलेगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सिटी विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। देन उसके बाद वहाँ की फ्रेंचाइजी वहाँ सेरेमनी आयोजित करेगी, जिस सेरेमनी आयोजित के अंदर उनकी क्राउनिंग की जाएगी। जयपुर से सफर शुरू हुआ और ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी आपका ये मेरा प्लान सिर्फ देश के लिए है कि देश के अंदर आज तक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं हुआ जो पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर सके। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के अंदर जितने नागरिक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान के लिए मुझे कॉपरेट करें, सपोर्ट करें, अगर मेरी कहीं गलती है तो मुझे ज़रूर बताएं। जर्नी हम चाहेंगे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी जर्नी हो, अभी तक आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हैं आज डे 3 है, आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं, लास्ट सीजन से आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो 139 कंट्रीज़ जो हम कवर करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि राजेश सर ने भी आपको ऑलरेडी बताया 28 कंट्रीज़ की ऑलरेडी हमारे पास में एप्लीकेशन आ गई है। मिस एफसिया मिसेज एफसिया सिर्फ एक नेशनल प्लेटफॉर्म ना रहकर ये इंटरनेशनल बहुत जल्दी जाने वाला है। सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं दिसंबर में जो हमारा नेशनल फॉर एवर मिस इंडिया फॉर एवर मिसेज इंडिया फॉर एवर मिस टीन इंडिया की क्राउनिंग होगी, उसी के साथ हमारी पहली मिस एफसिया पहली मिसेज एफसिया की क्राउनिंग भी जल्दी होगी। थैंक यू। नाम बता दीजिए आपको। जया चौहान, डायरेक्टर ऑफ फॉरएवर स्टार। तो मैं शैलजा सूरी हूँ और मैं मिस मिसेस टीम फॉरएवर स्टार इंडिया 2022 की हेड ग्रूमर हूँ और शो कोरियोग्राफर भी हूँ। तो जो मेरा सफ़र अभी तक रहा है वो बहुत रोमांचक रहा है, क्योंकि छोटे छोटे कस्बों से, शहरों से जो गर्ल्स हैं जो इस फील्ड में फैशन और एंटरटेनमेंट में आना चाहती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म जो है उनके सपने साकार करने का एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म देगा। तो हमारी जो ये आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ये सिटी विनर की क्राउनिंग के लिए हुए हैं और ये आपको दर्शाता है कि कितना ग्रैंड्योर, कितना ऑप्यूलेंस फॉरएवर स्टार इंडिया की टीम ने इस सिटी क्राउनिंग के लिए क्रिएट किया है। तो आगे वाले जो हमारे दो पड़ाव हैं जो कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल है, उसमें हमारा जो लो शो है उसका जो लेवल है वो सिर्फ बेहतर और बेहतरीन ही। तो लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को अपना नमस्कार कहना चाहूँगी और फॉरएवर स्टार इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश के हर एक कोने में अपनी बहुत अच्छी जगह बना चुका है, हर एक छोटी सिटी से बहुत सारे लोगों को मौका दे रहा है। वो प्लेटफॉर्म जो हर एक कैंडिडेट और हर एक फैमिली मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा है सभी के सामने, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। सो फॉरएवर स्टार इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेशनल लेवल शो तो ये है ही, इसको हम इंटरनेशनल लेवल शो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का साथ रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरएवर स्टार इंडिया वर्ल्ड का नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। थैंक यू सो मच। आपका नाम बता दो। माय नेम इज़ खुशी, फॉरएवर स्टार इंडिया की। अपना प्रेजेंटेशन पेश कर पाएंगे?
अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा था. इट वॉज माई लवली एक्सपीरियंस एंड लवली वंडरफुल. आप कह सकते हो कि मतलब राजेश सर, खुशी मैम, जया मैम और ये लोग सब एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, फैमिली की तरह है. तो ऐसा लगा नहीं कि हम प्रोफेशनल वर्क पे हैं जैसे हम बाकी शो में जाते हैं और काफ़ी शोज जैसे किए हैं, बट यहाँ का ठीक था. और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या अचीवमेंट रहेंगे और कैसा क्या लेवल रहेगा. तो सर का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी हम लोग साथ रहेंगे. आपका नाम बता दें. अवंतिका वशिष्ठ. Thank you.